हाँ तो यार अभी फाइनली फर्स्ट प्लेट हमारे आगे आ चुकी है, तो अभी हमें सर्व हुआ ये वेज मोमो है, और ये है पनीर मोमो, और ये स्प्रिंग रोल। अभी जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मतलब टेस्ट कैसा खाने में, और एक बार इसकी लुक देख लेते हैं पहले। हाँ तो यार बस अभी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी मुंह में पानी आ रहा है, और कहते भी हैं ज़्यादातर खाने को वेट करवाना नहीं चाहिए, तो अभी करते हैं। और यार ये स्टफिंग देख लो तुम पहले, अभी वेज मोमो ट्राई कर रहे हैं बीच में। ये बंद गोभी न्यूट्री जो वेज में मतलब कि ऑलरेडी स्टफिंग रहती है हमेशा। यार मोमो का जो टेस्ट है ना, टेस्ट अपनी साइड है, बट इसकी जो क्रंचीनेस है, जो क्रंच है इसमें, अभी आवाज़ ही सुन लो तुम इसकी, तो तुम देख सकते हो जैसे कि तुमने बोला कि एकदम मतलब कि फ्रेश वेजिटेबल्स लग रही है, बंद गोभी धनिया वगैरह और ये न्यूट्री वगैरह, तो इसका जो टेस्ट है तुम्हें यार तुम किसी भी एंगल से इसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो ऊपर मसाले का जो टेक्सचर है, थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है ऊपर मोमोज की क्रंचनेस, और जो इसका टेस्ट है हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल प्रोफेशनल वे में इनको बनाया गया हुआ है, और प्रोफेशनल के थ्रू भी बनाया गया हुआ है। यार अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल देख सकते हो तुम, इसकी जो ऊपर की ये परत है ये देखो यार एक बार, ऐसे मतलब कि धनिया वगैरह पड़ा हुआ है इसमें, सामने ऊपर से मतलब कि दिख रहा है कि इसमें किस किस चीज़ की स्टफिंग है, बीच में नूडल्स वगैरह है, थोड़ी बंद गोभी भी है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेस्टी लग रही है थोड़ी सी। अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। यार स्प्रिंग रोल भी एकदम परफेक्ट है, नूडल बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कि लाइटली जैसे मतलब मुंह में डालो तो बिल्कुल ऐसे घुल रहे हैं कसम से, और जो इसकी मतलब कि फ्रेगनेंस आ रही है बड़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि खुशबू जो इसमें से आ रही है तुम्हें उसका तो अलग ही मज़ा है, और टेस्ट का भी अलग मज़ा है। सो अभी थर्ड आइटम अपनी है पनीर वाले मोमो, तो ये कुछ इस शेप में, गोल शेप में, तो अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसके बीच में हमें देखने को मिलेगा मतलब कि पूरे पनीर की स्टफिंग है, और बीच में थोड़ा सा ऑनियन डाला हुआ है, प्याज और पनीर की स्टफिंग है, बीच में धनिया भी है थोड़ा। सो अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं। पनीर को काफ़ी हद तक क्रश करके डाला हुआ है पूरी स्टफिंग पनीर के बीच में, यार पनीर वाला मोमो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बीच में ऑनियन का टेस्ट भी आ रहा है, पनीर का टेस्ट भी आ रहा है, अगर इसी फील आ रही है खाने में। हाँ देखिए तीन आइटम्स अभी हमने टेस्ट कर लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी यार, बिल्कुल मतलब कि टेस्ट बिल्कुल रिच फ्लेवर का आ रहा था, और जो मज़ा था उसे खाने में, जो क्रंचीनेस थी हर एक मतलब कि आइटम में, वो तो अलग ही लेवल ले जाती है हर एक चीज़ को। बाकी टेस्ट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, थोड़ा चिली फ्लेवर था, मतलब कि जो ज़्यादा क्रंची खाना पसंद करते हैं या फिर जो ज़्यादा तीखा खाते हैं, और मतलब अगर तुम फास्ट फूड लवर हो तो तुम्हें एक बार यहाँ पे विजिट करना चाहिए। हाँ तो यार अभी मैं खाने जा रहा हूँ अपनी फोर्थ और फिफ्थ आइटम, ये लास्ट आइटम होने वाली है, क्योंकि अभी मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है वही खा के, तो अभी इसको भी खाना पता नहीं ये भी पूरी तरह खाने होगी कि नहीं, बाकी आइटम किसी और दिन टेस्ट करेंगे। तो अभी जो मेरे पास फोर्थ और फिफ्थ आइटम आई है, ये नूडल्स और ये चाप, देखने में बिल्कुल एकदम फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लग रही है, और मेरे से ज़्यादा रुका भी नहीं जा रहा, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ आइटम नूडल्स से, स्टार्ट करते हैं पहले। तेरन की नूडल की एक तारीफ करनी पड़ेगी, वैसे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से जैसे मुंह में डाल करके बिल्कुल मज़ा आ रहा है, स्प्रिंग रोल में भी ये नूडल्स है बिल्कुल ऐसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेस्टी भी है, वेजिटेबल्स मिक्स पड़ी है इसमें। हाँ सर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं अपनी फिफ्थ और लास्ट आइटम, ये चाम टेस्ट करते हैं, हम वेज चाम टेस्ट करने वाले हैं, तो तुम देख सकते हो कि मतलब कि कैसी देखने को मिल जाएगी, ये एक से सलाद और ये क्रीम है इनकी स्पेशल कुछ, और ये चाप है साथ में, ये बन दिया हुआ, फिर से इसके टेस्ट करके देखते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, जो इसका मसाला होता है वो तुम्हें कह देता हूँ मैं, ये मैंने बाकी चीज़ें भी टेस्ट की, लेकिन मेरे को अभी तक जो सबसे ज़्यादा अच्छी टेस्ट दो चीज़ें लगी, एक पनीर वाले मोमो और ये दूसरी है, इनका तो जवाब ही नहीं है, लाजवाब आइटम है, तो एक बार तुम्हें टेस्ट करनी चाहिए इनको।
हाँ तो यार ये भाई हमारे पास मनु भैया के पास काफी खास ये कस्टमर है इनके, काफी मतलब जब भी ये चीज लेते हैं यहीं से लेते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि मतलब इनको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि इन्हें मतलब इस दुकान में अच्छा लगता है। अभी आपको क्या लगता है कि मनु भैया की जो चीजें होती हैं ये कुछ दिन पुरानी भी दे देते हैं, बीच बीच में आपको कभी ऐसा लगा कभी भी कि कुछ चीज मतलब इनकी पुरानी थी जो इन्होंने सर्व किया आपको? नहीं, हमेशा फ्रेश चीज लगती है। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे आते हुए? साल से यहाँ पे ले रहे हो। अगर और आपको इनकी कौन सी मतलब आइटम सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे को तो ज्यादातर कलारी कुलचा और जैसे हम सैंडविच खाते हैं वो बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे मतलब एक बड़े बड़े जो होटलों में रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, लेकिन ये जो बंदा है ये अपने दिल से मन से काम करता और हार्डवर्क कोशिश करता और लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, फ्रेश चीज़ मिलती है इसी कारण यहाँ पर आते हैं। अगर आज हम आए हैं मनु भाई की शॉप पे, ये शॉप मनु भाई की है और मनु भाई की मैं आपको पहले बता दूँ ये है कौन, ये मतलब कि वो शख्स है कि जिन्होंने मोमो इस पूरे एरिया में मतलब कि बताया था कि मोमो नाम की कोई चीज़ होती है, जो डिश होती है, मतलब कि यहाँ के अगर किसी भी लड़के ने फर्स्ट टाइम अगर मोमो खाए होंगे तो इन्हीं की शॉप में खाए होंगे, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम लाइफ में मोमो खाए थे तो इन्हीं की शॉप में खाए थे पूरे मरालिया में, मतलब कि किसी को पता नहीं था मोमो चीज़ की होती है। तो इन्होंने वो काम पता नहीं कहाँ से सीखा और कैसे स्टार्ट किया, तो उन्होंने ट्राई की थी खुद मतलब कि बनाए थे वो, तो इनको इसलिए मोमो का एक्सपीरियंस तुम्हें मैं क्या बताऊँ कि अभी 8 साल हो चुके हैं, कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं। और अभी तक आप कौन कौन सी कंट्री में मतलब कि अपनी ये सर्व कर चुके हैं अपना जो आपका टैलेंट है ये फास्ट फूड का, ये मोमोज वगैरह आप बनाते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, तो कितनी मतलब कि कंट्रीज में आपने अपने ये आप होके आ चुके हैं? मैं मलेशिया गया हूँ 2-3 बार, थाईलैंड, दुबई। तो आपने वहाँ पे भी इसी चीज़ की मतलब बाद में 2 मंथ किया ही है उधर इंडियन फास्ट फूड में काम। हाँ तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। जी, वहाँ पे सब इंडियन ही आते थे। अच्छा, वहाँ पे भी इंडियन आते थे ना, तो मतलब कि उन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले ये गाड़ीगढ़ में भी इन्होंने रेडी लगाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा काम चला था वहाँ पे भी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे थे इनके मोमोज के, इनके सूप के गाड़ीगढ़ में, वहाँ पे मेन गाड़ीगढ़ में इनकी रेडी लगती थी। तो अभी मीरा साहब में तुम्हें एड्रेस बता दूँ, मीरा साहब नियर खजूरिया फूड मॉल के पास इनकी शॉप है मनु मोमो हट। तो यहाँ पे मतलब कि क्या क्या खाने को मिल सकता है कस्टमर आता है? हमारे पास जी वेज मोमो है, पनीर मोमो है, स्प्रिंग रोल है, हॉट डॉग बर्गर सैंडविच नूडल है, चाप है, कुछ भी कोई ट्राई करे सब अच्छा ही मिलेगा। अपना यही है कि कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाए, तो बाकी 2-4 प्लेट फेंकने से किसी की तबीयत खराब ना हो, उससे अपना 100-200 का नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो यार मेन चीज़ उनकी यही रहती है कि जब भी कोई चीज़ ये सर्व करते हैं तो हमेशा उनकी चीज़ फ्रेश होती है, जब भी मतलब कि आप खाओगे आपको ये नहीं लगेगी कि चीज़ कुछ दिन पुरानी है या कुछ, अगर चीज़ पुरानी हो जाती है तो ये फेंक देते हैं। शॉप काफ़ी फेमस है क्योंकि आते चलते मतलब कि सभी उनको जानते हैं, इनकी शॉप से खाते रहते हैं तो सामान लगभग बचता ही नहीं हर दिन, तो ये बनाते भी मेरे को लगता है कि उसी लिमिटेड हिसाब से कि जितना मतलब कि एक दिन में निकल जाए, क्योंकि बना बना के एक इंसान को मतलब कि पता चल जाता है कि मेरी शॉप में दिन के कितने बंदे आ रहे हैं, मुझे किस हिसाब से सामान बनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मतलब कि इन फ्यूचर आप इसी को रेस्टोरेंट को बड़ा और बड़ा करने का सोच रहे हैं, ये मतलब शॉप तक ही सीमित? बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे अगर भगवान ने चाहा तो रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, सारी आइटम तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। तो ये थे मनु मोमो हट के ओनर, तो यही मतलब कि सारा कुछ यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो इस शॉप में आपको कम से कम 10 आइटम्स खाने को मिल जाएंगी, जो भी मतलब कि 10 की 10 एकदम सही है, एकदम फ्रेश मिलेंगी आपको टेस्टी। तो आप जब भी चाहें मतलब यहाँ पे आके एक बार विजिट करें और हर एक चीज़ उनकी टेस्ट करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय मनु भैया, थैंक यू फॉर थैंक यू सब।